गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भारत बघेल आपके लिए लेकर आया हूँ दूसरा वीडियो, जिसमें आप हैंड रिटन नोट लेकर आया हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक वीडियो और लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दबा के ठोकें। और चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, खेती के एक प्रबंध के तहत कृषि उद्यम की इकाई क्या है? डीएस चौहान ने इसको प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट रहेगा उत्पादन का लागत कैसे उत्पादन करता है? उद्यम चयन द्वारा। उत्पादन गणितीय संबंध में क्या है? ले बिशप ने इसका प्रतिपादन किया। उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अधिकांश भारतीय किसान नीचे हैं, स्टेज वन पर हैं, ISO ये देखेंगे, ISO ये रहा व्यय रेखा मात्रा बकरों के समान ढलान से गुजरती है। रिज लाइन से जाना जाता है आइसोलिन को जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करें। कुल कृषि के लिए पूरक संबंध का योगदान कितना है? 10%। विविध खेती में एक उत्पाद से होने वाली आय 50% से कम और 50% के बराबर होती। मिश्रित खेती के मामले में सहायक उद्यम क्या है? 10%। कितने प्रतिशत भारतीय किसान व्यक्तिगत खेती कर रहे हैं? 70% किसान व्यक्तिगत खेती कर रहे हैं। बीप और छिपी क्या है? संयुक्त उद्यम के उदाहरण हैं। किराया भूमि के लिए उपयोगी किसने प्रतिपादित किया? रिकार्डो ने कहा था। ये रिकार्डो एक वैज्ञानिक थे। एक विवरण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति स्थिरता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नेटवर्थ स्टेटमेंट। इसको याद रखेंगे, ये पक्का आएगा, अभी लिख के ले लो 90% नेटवर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट आएगा APP बराबर हुआ किसके? बाई एक्स। उत्पादन की प्रक्रिया संसाधनों की गतिविधियाँ क्या होती है? गैर कानूनी। आईसो राजस्व एक रेखा है, कैसी? सीधी और सरल रेखा है। परिचालन नामक निर्णय क्या होता है? संसाधन का स्तर। कृषि वस्तुओं की शुद्धता के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या होता है? AG मार्ग, ये भी लिख के ले लो, आएगा AG मार्ग। मिश्रित खेती प्रणाली नहीं है, ठीक है, मिश्रित खेती जो है वो खेती प्रणाली नहीं है। उद्यम के चयन के संबंध में निर्णय क्या होता है? परिचालन निर्णय। दोस्तों, अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता है, आपको लगता है ये गलत है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि वीडियो कैसे लगते हैं आपको, अच्छे बुरे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कृषि के प्रकार को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है क्या? जलवायु। जो कल पूछा गया था वो आज ही पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र क्या है? क्या है? अर्थशास्त्र कला और विज्ञान है। विकासशील देश की अर्थव्यवस्था की पहचान कृषि की प्रधानता से होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सबसे ऊपर रहता है, इसी की वजह से हमारी GDP ग्रोथ चलती है। GST वगैरह सब इसी पे। अभी खाने पर टैक्स लगा दिया है 5%। कृषि बजट पहले से तैयार करना क्या कहलाता है? कृषि योजना। कृषि बजट क्या है? कृषि नियोजन है। कुल उत्पादन लागत की कितना प्रतिशत श्रम निवेश है? 25-30%। पूंजीवादी खेती में भूमि का स्वामित्व कौन करता है? मकान मालिक और फैक्ट्री मालिक करता है। अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां MC बराबर MR होगा। खान और मछलियां का कानून क्या कहलाता है? रासमान कानून। उत्पादन में सहायता के लिए श्रम का भुगतान क्या होता है? वेतन। जो उत्पादन में सहायता करते हैं, जैसे फैक्ट्रियों में लेबर्स लगी रहती है, जैसे आप भी कहीं जॉब करने जाएं तो वेतन मिलेगा, उसको वेतन ही बोलते हैं, ठीक है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर AG लिख दिया मैंने, एग्रीकल्चर कब आया? 1928। कृषि की प्रमुख कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और आप लोग जान लेंगे, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। और एडम स्मिथ, एडम स्मिथ
जो है हमारे इकोनॉमिक्स के जनक हैं, अर्थशास्त्र के जनक हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा रहा हमारा वीडियो, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।